33,000 शिक्षक भर्ती जो उन्होंने संविधान में घोषणा किया है 57,000 का, और एक मुश्त 33,000 शिक्षक भर्ती को जो उन्होंने बोले हैं उसको पूरा करे, एक साथ पूरा करे, 33,000 शिक्षक भर्ती को लाए। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ बेमित्रा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक सूत्रीय मांग 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन। बता दें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में हालात ऐसी है कि यहां कई स्कूलों में टीचर ही नहीं है, कई स्कूल एक एक टीचर के भरोसे चल रहा है। दर युवाओं के द्वारा लगातार भर्ती की मांग की जा रही है। सरकार की युवाओं की मांग को अनसुना करने पर विरोध में अब छत्तीसगढ़ डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। डीएड बीएड प्रशिक्षितों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रदेश में अलग अलग विभागों में भर्ती की मांग की जा रही है। इसी बीच विष्णुदेव साय सरकार की शिक्षा मंत्री रहे ब्रजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद छोड़ने से पहले 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान किया था। मांग पूरी नहीं हुआ तो 21 सितंबर को प्रदेश में किया जाएगा बड़ा आंदोलन। बेमित्रा से संजू जैन की रिपोर्ट। स्थायी रूप से युक्तिकरण को रोक लगाई है, मैं उसको चाहती हूँ कोई स्थायी रूप से रोक लगाए। और 33,000 शिक्षक भर्ती जो उन्होंने संविधान में घोषणा किया है 57,000 का, और एक मुश्त 33,000 शिक्षक भर्ती को जो उन्होंने बोले हैं उसको पूरा करे, एक साथ पूरा करे, 33,000 शिक्षक भर्ती को लाए। बीएड बीएड संघ जिला बेमित्रा के अध्यक्ष दीन बंधु के द्वारा अपने अन्य जो डीएड बीएड प्रशिक्षित साथियों के साथ उपस्थित आकर यहाँ प्रदेश में 33,000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द करने बाबत एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे सौंपा गया है। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उसी कड़ी में जिला बेमित्रा में जिला के सभी शिक्षक डीएड बीएड संघ के सभी अभ्यर्थी यहां पे उपस्थित हुए हैं सरकार के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपने के लिए। हमारी जिसमें प्रमुख मांग है, सरकार ने अपना घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती की जो बात कही थी, उसके बाद विधानसभा में उन्होंने 33,000 शिक्षक का भर्ती का घोषणा किया, उसी के लिए आज ये जिला में हमने कार्यक्रम आयोजन किया है।